13 नंबर से। चलिए देखिए, दिया हुआ है एक्स वन बाई में ए स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का। पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स वाई में ए स्क्वायर माइनस टू वाई वाई में बी स्क्वायर और वाई का यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे। वन है इक्वल में तो उसका जीरो। माइनस टू वाई वाई में बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई में ए स्क्वायर। माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स वाई में ए स्क्वायर वाई। हमें पॉइंट दिया है एक्स जीरो वाई जीरो, तो एक्स जीरो वाई जीरो पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स जीरो और वाई में ए स्क्वायर वाई जीरो। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालते हैं। चलिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, वाई माइनस का वाई वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो और इंटू एक्स माइनस का एक्स वन। तो यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस का वाई जीरो इक्वल टू, इसका वैल्यू यह है बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई में ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू में एक्स माइनस का एक्स जीरो। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ वाई जीरो को इधर लाते हैं और यहाँ बी स्क्वायर को लाते हैं इंटू वाई माइनस का वाई जीरो इक्वल टू में यहाँ एक्स जीरो और वाई में यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, वाई वाई जीरो बाई बी स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स जीरो बाई में ए स्क्वायर माइनस का एक्स जीरो का स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। अब चलिए अब एक तरफ करते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग वाई वाई जीरो को इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा एक्स जीरो का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में एक्स एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई वाई जीरो बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स एक्स जीरो बाई में ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में वन एट एट एक्स जीरो वाई जीरो पर क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स जीरो का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल टू में वन, यही ना हो जाएगा जी। तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे वन रख दिया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। चलते हैं अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो। ठीक है, और इनटू में एक्स माइनस का एक्स वन। वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू माइनस वन बाई, इसका वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स जीरो वाई जीरो। बी स्क्वायर एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर वाई जीरो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू में एक्स माइनस का एक्स जीरो। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, वाई वाई जीरो इक्वल टू में माइनस का ए स्क्वायर वाई जीरो और बाई में बी स्क्वायर एक्स जीरो और इंटू में एक्स माइनस का एक्स जीरो। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, समझ रहे ना, यहाँ पर हम लोग वाई जीरो को इधर डिवाइड में लाते हैं और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर बाई वाई जीरो इंटू में वाई माइनस का वाई जीरो और इधर माइनस का ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ नीचे एक्स जीरो बच जाएगा इंटू में एक्स माइनस का एक्स जीरो। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आ जाएगा बी स्क्वायर वाई बाई वाई जीरो माइनस का बी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू में माइनस का ए स्क्वायर एक्स बाई में एक्स जीरो और यहाँ प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं और बी स्क्वायर को उधर लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई में एक्स जीरो प्लस में बी स्क्वायर वाई वाई में वाई जीरो इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट।